इलाहाबाद में जितने भी फुल्की प्रेमी है ना, वो इस जगह पे एक बार विजिट करके जरूर इसका लुफ्त उठाएं। इलाहाबाद आने का सडनली से प्लान बना और ये मेरी दोस्तों ने बहुत पहले से प्लानिंग कर रखी थी कि मैं जब भी इलाहाबाद आऊँगी ये मुझे फुल्की ट्राई करवाएंगी, क्योंकि मैं बहुत बड़ी फुल्की लवर हूँ। तो ये दुकान पड़ती है लक्ष्मी चौराहा के पास में। आटे की भी फुल्की मिल जाएगी और सूजी वाली भी फुल्की मिल जाएगी। ये आप पे है कि आप कौन सी फुल्की लेना चाहते हैं। और तीखी वाली भी ट्राई करी थी, बहुत अच्छी थी। मीठी वाली भी ट्राई किया, ये भी बहुत ज़्यादा ही सुपर लगी ये, क्योंकि इसमें ना ऐसे इन लोगों ने पूरा का पूरा अनार के दाने डाल रखे, तो वो जैसे ही मुँह में गया ना, ऐसे हर एक अलग अलग टेस्ट का ना मुँह में धमाके हो रहे थे। बाहर भी श्रेय का प्लान था कि मेथी मटर मलाई बनाएंगे ये लोग मेरे लिए डिनर पे, लेकिन यहीं पे हम लोगों ने इतना फुल्की भर भर के खा लिया कि पेट हो गया फुल। श्रेय का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यहीं से ली हम लोगों ने पेस्ट्री और बस चल दिए हॉस्टल की तरफ। मैं हॉस्टल में कभी रही नहीं हूँ, लेकिन इन सब के साथ में ना मैंने हॉस्टल के खूब मजे लिए हैं कि हॉस्टल की लाइफ होती कैसे है। तो ये रहा इनका हॉस्टल का रूम। यहाँ पे बस तैयारी हो रही है खाना खाने की। सबका ही पेट फुल था तो बस ये हल्का फुल्का यिप्पी बनाया गया। यिप्पी नूडल्स के साथ में थी चाय, और दो चम्मचे अलग थी लेकिन एक ही कढ़ाई थी जिसमें बना था उसी में खा लिया। That boy logger bread. Happy birthday to you. खाना है ना? हाँ, खाओ। ये पापिनों में पहले दूसरों को खिलाते हैं। खाना है। हंसते मुस्कुराते सबने बर्थडे सेलिब्रेट किया। असली वाला बर्थडे ना 7 फरवरी को था, बट मैं गई थी ना तो इसलिए उसका तिथि वाले बर्थडे को ही थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लिया गया। हॉस्टल के ये सब छोटी छोटी बातें बहुत ही खास बनाती हैं और घर की याद नहीं दिलाती हैं कि ये सब ना आपस में बर्थडे वगैरह और कोई भी फेस्टिवल होता ना बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप भी हॉस्टल में रहे हैं तो कमेंट करके अपने हॉस्टल की कुछ यादों को बताएं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो जो बिलोंग करता है सबसे पहले वो कमेंट बॉक्स में हाजिरी लगाए। 26 जनवरी को बस नहा धोकर के अच्छे से तैयार होकर के पहुंच गए अपनी यूनिवर्सिटी। एंट्री लेते ही समझ में आया कि यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत सारे बच्चे आए हुए थे। तो ऑफकोर्स जो पढ़ रहे होंगे वो भी आए होंगे, मेरे जैसे जो पढ़ के निकल चुके हैं वो भी आए होंगे, और इनका जोश तो देखिए। वीसी ने अपना भाषण दिया, बहुत सारे प्रोग्राम भी छोटे छोटे थे बट सीरियसली कुछ भी दिखा नहीं क्योंकि हम लोग काफ़ी दूर खड़े हुए थे। फिर किसी तरीके से जगह बनाते हुए मैं इधर से आगे आई और कुछ चीज़ कैप्चर करने की मैंने कोशिश करा। यहाँ पे सारे के सारे एनसीसी के वॉलंटियर्स लगे हुए थे और ये हमारा सबसे प्यारा झंडा लगा हुआ है। फिर उसके बाद में ये भाग हुई का लुका छिपी करना, और बस यहाँ पे हम लोगों ने खूब सारी बातें करी। उसके बाद में यूनिवर्सिटी टूर भी करा, तो देखा तो सोचा वीडियो बना ले। अगर आपको बड़ा वीडियो चाहिए ना फुल वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताएं। जब जब मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है पूरा का पूरा घूमना टहलना और वो सारी ही यादें याद करना जो मैंने यहाँ पे रह करके बिताई हैं। वहाँ पे हर डिपार्टमेंट के सामने ना जो गार्डन बने हुए हैं ना, उन गार्डन से जुड़ी हुई बहुत सारी यादें हैं। मतलब इतने भूखड़ थे हम लोग ना कि जैसे ही ब्रेक मिलता था ना तो हम लोग वहाँ पे बैठ करके कुछ ना कुछ खाते पीते जरूर थे, और यहाँ पे हम लोग बस वही सारी बातें कर रहे हैं। ये है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट और हिस्ट्री डिपार्टमेंट, और भी मेरा एक सब्जेक्ट था एजुकेशन जिसको मैंने 3rd ईयर में छोड़ दिया था। और ये रहे हमारे प्रोफेसर्स, ये गाड़ी वाले नहीं, वो जो पीछे थे वो पीके घोष सर थे। बहुत सारे दोस्तों से मिलना नहीं हो पाया, बट नेक्स्ट टाइम उम्मीद करूँगी कि थोड़ा ज़्यादा टाइम मिले और मैं सबसे मिल पाऊँ।